ब्लू ऑयस्टर को इसलिए ब्लू ऑयस्टर बोला जाता है क्योंकि उसके जो पिनहेड्स होते हैं वो शुरुआत में ब्लू आते हैं और जैसे ही वो मशरूम बड़ा होता है तो वो पिनहेड ब्लू से फेंट ग्रे कलर का होता है। आप जिससे भी स्पॉन खरीदोगे वो आपको ब्लू ऑयस्टर लिख के देगा आपके स्पॉन बैग पे, लेकिन प्लूरोटस कोलमिनस पीसी शायद बहुत कम लिख के देंगे क्योंकि शायद उनको भी इसके बारे में नहीं पता होगा, हो सकता है, या फिर ज़्यादातर लोग आपको ब्लू ऑयस्टर ही लिख के देते हैं। अगर हम बात करते हैं टेस्ट की तो लगभग जैसे फ्लोरिडा की टेस्ट लगती है उसी तरीके से आपको टेस्ट लगेगी ब्लू ऑयस्टर की। और बात करते हैं डंटल की तो डंटल भी सब्जी में पकता ब्लू ऑयस्टर लगभग 2 से 3 दिन फ्रिज में उसकी शेल्फ लाइफ रह जाती है, मतलब उसको 2 से 3 दिन आप फ्रिज में रख सकते हो। और टेम्परेचर की अगर हम बात करते तो ब्लू ऑयस्टर खुद के टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी के लिए पहचाना जाता है, तो टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी है, ह्यूमिडिटी सेम 60 to 80%।